हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड्स से। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन बीपीएससी एग्जाम आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक 7 से 10 दिसंबर के बीच होगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। एंड ईएमआरएस का एग्जाम भी लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में डेट आ गया है आज, तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगी अभी। तो दोस्तों, जैसा कि आपके दो दो एग्जाम लगे हुए हैं और यह सभी वीडियोज केवल ईएमआरएस एंड बीपीएससी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रोज मैं दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ सुबह और शाम। एंड ऐसा आपको फ्री में करने वाला कोई नहीं है। अब फ्री में आपको मिल रहा है तो महत्व कम ही समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में मिलता है तो उसका आदर कम ही होता है। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चंस देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ों सभी टॉपिक का थ्योरी सेशन डिटेल में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक का। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, लचीलापन कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी आर देयर? तो फ्लेक्सीबिलिटी कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सीबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी वो होता है जो गति की मात्रा या रेंज ऑफ मूवमेंट यानी गतिशीलता में वृद्धि जो है बिना किसी व्यक्ति या वस्तु या बाहरी सहायता से बढ़ाते हैं। एंड पैसिव क्या होता है? जिसमें गति की मात्रा या रेंज ऑफ मूवमेंट को किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से प्रयोग करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी भी दो प्रकार का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो स्थिर अवस्था में गति की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जैसे खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, स्ट्रेच करने वाले व्यायाम, सभी योगासन इसमें आ जाते हैं। एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी जैसे गतिशील अवस्था में गति की मात्रा, रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाया जाता है, तो इसमें जैसे कि दौड़ कूद में इनका प्रयोग, सभी जिम्नास्टिक इसमें आ जाते हैं डायनेमिक में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग विधि का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द सर्किट ट्रेनिंग मेथड? तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड को एडमसन एंड मॉर्गन ने 1957 में खोजा था। सर्किट ट्रेनिंग द्वारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस विकसित होता है, शक्ति सहनशीलता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसमिसल वॉग है? दोस्तों ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि अब टाइम कम है, क्वेश्चन आता जाएगा, जितना आवश्यक रहेगा उतना ही बताऊंगी। आप सब पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए। तो डिसमिसल भाग है तो आपको पता ही है, डिसमिसल में असेंबली एंड आपका वार्मिंग अप, स्किल जो लीड अप गेम होता है, एंड लास्ट में रिक्रिएशनल गेम, फिर आपका होता है डिसमिसल। ये सभी भाग है लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना का भाग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्टलेक प्रशिक्षण का संबंध है? फॉर्टलेक इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग, तो इसका प्रशिक्षण का संबंध है फॉर्टलेक, जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है, यह स्वीडिश शब्द है। एंड इसकी खोज 1937 में गुस्टाव होमलर ने किया था। एंड दोस्तों, यह बिना प्रॉपर प्लानिंग के किया जाता है और यह सहनशीलता को डेवलप करता है। तो यहाँ पे सहनशीलता कौन है? शक्ति, गति, लचीलापन नहीं होगा, दमखम यानी कि स्टेमिना यानी कि सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू, तो आपको पता है स्ट्रेंथ को डेवलप करने की विधियां हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक मेथड है दम खम नो 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 नो, यह आपका स्ट्रेंथ यानी कि पावर यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति को डेवलप करने की विधि है, जिसमें तनाव तो बना रहता है, आइसो मतलब सेम, आटोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है बट मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है। इसमें दो प्रकार की होती है आइसोटोनिक, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक। जब लंबाई घटती है तो उसे कंसेंट्रिक कहते हैं, बढ़ती है तो उसे इसेंट्रिक कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के विकास की विधियां हैं? देर आर मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, तो स्पीड विकसित करने की दो विधियां हैं, कौन कौन सी? त्वरण दौड़, पेस रेस। तो ये दोनों हो जाता है त्वरण दौड़, पेस रेस। पेस रेस में क्या है, शुरू से लास्ट तक एक ही स्पीड से दौड़ा जाता है, एक समान स्पीड से, जैसे कि 400, 800, 1500 मीटर दौड़ होता है, ठीक है, 400, 1500 मीटर दौड़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है? द
द प्रिंसिपल ऑफ एफोर्ड एंड रिकवरी इज बेस्ड ऑन, तो दोस्तों यह संबंधित है अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत संबंधित है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को टेरिस प्रशिक्षण या प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसमें अधूरा रिकवरी यानी कि इनकम्प्लीट रिकवरी रखा जाता है। प्रशिक्षण के समय हार्ट रेट 180 हो जाती है, 180 हार्ट रेट होते ही प्रशिक्षण को रोक दिया जाता है। जैसे ही हृदय गति 120-140 आ जाती है, पुनः प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी पूरा रेस्ट नहीं दिया जाता, अधूरा रेस्ट दिया जाता है। और यह स्पीड इंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता को बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट है शक्ति के विकास की विधियां हैं। तो दोस्तों देयर आर मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने की विधियां कौन सी है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, ये तीनों विधियां शक्ति को विकास करने की विधियां हैं। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर डूइंग एनी वर्क कॉल्ड। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर दे दिए होंगे, तो ये होता है तैयारी का प्रक्रिया कहलाती है वार्मिंग अप। किसी भी कार्य को पहले तैयारी किया जाता है, शरीर को गर्माया जाता है जिससे शरीर में गर्म हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन हो जाता है जिससे चोट कम लगती है और इंसान अच्छा से खेलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है, तो दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है, तो कोई भी प्रतियोगिता करने से पहले, ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप किया जाता है, शरीर को गर्माया जाता है। एंड लेकिन प्रतियोगिता करने के बाद लास्ट में क्या लाभदायक होता है? तो लास्ट में हम करते हैं लंबरिंग डाउन यानी कि क्या करते हैं? वार्मिंग अप के कुछ व्यायाम जैसे कि लंबरिंग डाउन, किसी इस बधाई प्रशिक्षण के बाद शरीर को ठंडा होना पड़ता है, यानी कि जो हमारे शरीर थक गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है, उस लैक्टिक एसिड को कम करता है लिम्बरिंग डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन मेथड। तो यह है प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस मेथड जो है सबसे बेस्ट होता है प्रदर्शन के लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है प्रदर्शन के लिए। जैसे कि डंबल अभ्यास, बेड अभ्यास, लेजियम अभ्यास, ये सब प्रदर्शन करके ही करा जाता है। एंड नेक्स्ट है एक कुशल प्रशिक्षक का संबंध है, ए इफिशियंट ट्रेनिंग एज कॉन्सरेंट। तो दोस्तों कुशल प्रशिक्षक का संबंध क्या, एक कुशल प्रशिक्षक को क्या होना चाहिए? उसे त्रुटि को ढूंढना चाहिए और त्रुटि को सुधार करना चाहिए। एक कुशल प्रशिक्षक से तात्पर्य कि एक कोच या प्रशिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों को ढूंढकर उन्हें सुधार करना है। प्रशिक्षण योग्यता कौशल ज्ञान सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की योग्यता और आकांक्षा के अनुरूप तरीके अपनाकर उसमें सुधार करना ही होता है। एंड नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट ट्रेनेबल। तो सबसे कम प्रशिक्षण किसमें आवश्यकता होती है? गति में, ये अनुवांशिक अनुमोदन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड अप गेम सहायक है, लीड अप गेम्स हेल्पफुल, किसके लिए हेल्पफुल होता है? तो दोस्तों यह होता है लीड अप गेम मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला को बढ़ाने के लिए लीड अप गेम होता है, यानी कि लीड अप गेम विद्यार्थियों को खेल के वास्तविक स्वरूप के लिए तैयार करती है। यह मनोरंजन उपलब्ध कराने के साथ साथ कौशल को बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एंड नेक्स्ट है कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक एंड एनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? विच ट्रेनिंग मेथड यूज एरोबिक एंड एनएरोबिक एनर्जी। तो यहाँ पे दोस्तों अंतराल प्रशिक्षण राइट होगा, इसमें एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसमें प्रयोग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक आयु के लक्षण कौन से हैं? तो दोस्तों जैसे कि द्वितीयक आयु यानी कि सेकेंड विंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी एयर। तो क्या होता है द्वितीयक वायु मतलब सेकेंड विंड?
अगर लंबे समय तक हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के दौरान एक समय ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं, हमारी जो मसल्स होती है शिथिल पड़ जाती है, और उसके द्वारा लगता है कि अब हम कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब मेरी शक्ति खत्म हो चुकी है। तो एक क्षण के लिए जो महसूस होता है थकान और बेचैनी सी महसूस होती है, उसी को कहते हैं सेकेंड विंड। और इसी के लक्षण हैं, यही सब जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, सर में दर्द, त्वचा पीली होना, छाती और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे आपको लगता है कि अब इससे आगे हम नहीं कर सकते, कुछ सेकेंड के लिए आपको असंभव सा प्रतीत होता है, उसी को सेकेंड विंड यानी कि द्वितीय वायु कहते हैं। और कुछ समय तक रेस्ट लेने के बाद आपको पूरा ऊर्जा प्राप्ति होने लगती है, और फिर आप पहले से भी ज़्यादा एनर्जी फुल होकर फिर आपको पहले जैसा एनर्जेटिक फुल करेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे, और उसी को सुपर कंपनसेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसरतों की अपर्याप्त मात्रा इनकी ओर इंगित करता है, तो किसकी ओर? कसरतों की पर्याप्त मात्रा तो हो जाएगी एरोबिक, लेकिन अपर्याप्त मात्रा है तो एनएरोबिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनएरोबिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी अनएरोबिक्स से तात्पर्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से है। अनएरोबिक कार्य के दौरान शरीर इतना कड़ा परिश्रम करता है कि ऑक्सीजन और ईंधन की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है, और तब मांसपेशियां ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर करती है। ऐसे मामलों में बेकार पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, जिनमें से एक मुख्य होता है लैक्टिक एसिड। पेशियां ऑक्सीजन की अपनी भूख के कारण शरीर के ऑक्सीजन दृढ़ की स्थिति में ले जाती है। शरीर का भंडारित ईंधन शीघ्रता से बाहर आता है और क्रियाकलाप पीड़ा के साथ बंद हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के संदर्भ में आक्रामकता को ऐसे परिभाषित करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन अग्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स? तो इसको कैसे हम परिभाषित करते हैं आक्रामकता को? तो जो दबंगपन से खेला जाता है उसे हम आक्रामकता के अंतर्गत लगते हैं। यानी खेल के नियमों के अनुसार खिलाड़ी अपने कौशल को अच्छी तरह संपादित न करके खेल में विजयश्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी को आक्रामकता कहते हैं खेल में। एंड नेक्स्ट है, प्रशिक्षित खिलाड़ी की मांसपेशी वसा को अप्रशिक्षित खिलाड़ी की मांसपेशी की ज्वलित होने की दर से कितनी बार की दर से ज्वलित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 बार की दर से ज्वलित होती है। यानी कि प्रशिक्षित खिलाड़ी की पेशी तंतुओं का आकार बढ़ जाता है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। प्रशिक्षित खिलाड़ी में वसा मुक्त भार बढ़ जाता है और प्रशिक्षित खिलाड़ी में इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रदर्शन किसकी मदद करने के लिए रूपांतरित किया जाता है? गुड परफॉर्मेंस इज डिजाइंड टू हेल्प व्हाट? तो अच्छा प्रदर्शन किसकी मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो यह विद्यार्थियों के कौशल को अच्छी तरह समझने के लिए डिजाइन किया जाता है कि हाँ, इतना दिन प्रशिक्षण दिए हैं तो इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी में कितना प्रगति हुआ है, कौशल को कितना अच्छा से सीखा है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई निम्न में से किसकी विपरीत तौर पर प्रभावित करती है? तो आपको पता है एल्टीट्यूड मोर देन 3000 मीटर्स एडवर्सली इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों 3000 से अधिक ऊंचाई क्या है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण ज्यादा हृदय दर बढ़ता है और ज्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, और जिससे लंबी दौड़ जो है, लंबी दूरी की दौड़ वह ज्यादा प्रभावित होती है, लॉन्ग रन एबिलिटी जो है ज्यादा प्रभावित होती है। खिलाड़ी को लंबी दौड़ की क्षमता को अधिक विकसित करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए सबसे पहले 3,000 फीट ऊंचाई पर लगभग 1 सप्ताह तक रहकर जलवायु के प्रति अनुकूलित है। फिर खिलाड़ियों के लिए कम से कम 4 सप्ताह तक अधिक ऊंचाई पर आवश्यक जलवायु अनुकूलन के लिए पड़ती है। इस प्रकार जलवायु अनुकूलन लंबी दौड़ के धावकों को अधिक प्रभावी लाभकारी होता है लंबी दौड़ के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा खेल आंतरिक इनाम है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टिंग इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट? तो आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, यानी कि सेल्फ एस्टीम
आंतरिक इनाम क्या है? आत्मसम्मान। किसी भी खेल में खिलाड़ी को परिणाम के अनुसार उसे पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार खिलाड़ी को प्रोत्साहित तथा उत्साह वर्धन के लिए दिया जाता है, जिससे खिलाड़ी का आत्मसम्मान बढ़ता है और खिलाड़ी पूरे जोश और पूरे प्रयास के साथ दूसरी प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तैयारी और लगन से लग जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि हितकारी रूप में प्रयोग की जाती है? तो द रेस्ट प्रेयर्स इन ट्रेनिंग आर यूज्ड बेनिफिशियली, तो वो होता है आराम शब्द आते ही आपको समझ जाना चाहिए, रिकवरी दिया जाता है, वो भी इनकम्प्लीट दिया जाता है, वो है आपका अंतराल प्रशिक्षण। क्या है? अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। एबीबी बिकला ने इसको खोजा था, गर्सनर बिकला ने 1920 में अंतराल प्रशिक्षण को, जिसमें इसमें जो इंटेंसिटी होती है 30-40% होती है एंड 180 हार्ट रेट होते ही कार्य रोक दिया जाता है और 120-40 पर पहुंचते ही पुनः शुरू कर दिया जाता है, यानी इनकम्प्लीट रिकवरी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 80-90% तीव्रता किस प्रशिक्षण विधि में होती है? तो विच आर द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स हैज 80-90% इंटेंसिटी? तो दोस्तों यह होता है आपका सघन अंतराल विधि यानी कि इंटेंसिव इंटरवल मेथड। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दो प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। इंटेंसिव जो है सघन अंतराल विधि होता है, जिसमें जो प्रतिक्रिया किया जाता है जल्दी जल्दी किया जाता है, स्पीड से किया जाता है, इसमें तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, इसमें तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है एंड 80-90% तीव्रता होती है, 175-80 आपका हार्ट रेट होता है, 175 से अधिक आपका क्या होता है? हार्ट रेट होता है। एंड दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड। क्या होता है? एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड जो है उसमें तीव्रता कम होती है। एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में क्या होता है, जैसे इंटेंसिव इंटरवल मेथड दो प्रकार का होता है। तो गहन अंतराल विधि यानी कि इंटेंसिव में तीव्रता 80-90% ज्यादा हो गया, पल्स रेट जो है 175-180 बीट प्रति मिनट हो गया, रिकवरी अप टू रेट, हार्ट रेट जो है 120-140 रिकवरी के समय होता है क्योंकि इंटरवल का ही पार्ट है। एंड जैसे ही हार्ट रेट 120-140 से आती है दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया जाता है और हार्ट रेट वापस से 175-180 तक लाया जाता है। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा तीव्रता पर ध्यान देते हैं, वॉल्यूम पर नहीं, इसलिए इसको क्वालिटी ट्रेनिंग मेथड भी कहा जाता है। याद रखिएगा इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी कि सघन अंतराल विधि को क्वालिटी ट्रेनिंग मेथड भी कहा जाता है। दूसरा होता है इंटरवल ट्रेनिंग में क्रियाओं की तीव्रता के आधार पर एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, जो विस्तृत अंतराल विधि होता है, जिसका वॉल्यूम जो है 30-40% या जो तीव्रता होती है 30-40% या 60-80% होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में शिखर प्रदर्शन किस पर आधारित है? पीक परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो खेलों में शिखर प्रदर्शन कैसे होता है? प्रशिक्षण, उसका मेन कारण होता है प्रशिक्षण। आप कैसे लिए हैं, कितना लिए हैं, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। किसी भी खिलाड़ी को अपने खेल को निखारने तथा उसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए उसे प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ऐसा प्रशिक्षण जो एक प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षक के अंतर्गत तकनीकी विधियों से परिपूर्ण हो और प्रदर्शन के उच्च शिखर प्राप्ति के लिए प्रेरित करता हो, यह खेल प्रशिक्षण से ही संभव होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की की समय अवधि की आवश्यकता घंटों में होती है। What is the time period required for pre-competition carbohydrate loading in hour? तो दोस्तों प्रतियोगिता से पूर्व 1-4 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट लोडिंग लेना की आवश्यकता होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल में समान होता है। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न यानी ऊर्जा देता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करता है करने के लिए चर्बी की भांति यह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पच जाते हैं यानी वसा की अपेक्षा। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक सरल शर्करा, दूसरा जटिल शर्करा।
और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा से पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की देने की समय अवधि 1 से 4 घंटे पहले होनी चाहिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिभार के सिद्धांत हैं, अधिभार के सिद्धांत हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड में क्या किया जाता है, जो भार होता है सामान्य से अधिक दिया जाता है। ओवरलोड में क्या दिया जाता है, जो भार होता है वो सामान्य से अधिक दिया जाता है, यानी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लोड देना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार का संगठन कौन सा कारक नहीं समझा जाता। तो दोस्तों प्रशिक्षण भाग यानी ट्रेनिंग लोड जो होता है, विच फैक्टर इज नॉट कंसाइडरेट ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। तो ट्रेनिंग लोड के 2 घटक होते हैं, लोड इंटेंसिटी एंड लोड वॉल्यूम, यानी कि इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, यानी कि तीव्रता और आयतन, तीव्रता एंड आयतन है, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम और डाइट ये तीनों होगा, बट आपका घनत्व इसमें नहीं आएगा, घनत्व इसमें नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के विशिष्टता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिल चालक को क्या करना चाहिए। What should a cyclist do according to the principle of specification of load? तो इसमें भार की विशेषता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिल चालक को क्या करना चाहिए, पहले तो उसको ज्यादा से ज्यादा साइकिल चालक को प्लायोमेट्रिक्स का प्रशिक्षण करना चाहिए, प्लायोमेट्रिक्स का प्रशिक्षण करना चाहिए, यानी प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण यह एक प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी की सहन शक्ति क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, इसमें विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, प्लायोमेट्रिक से यह प्लायोमेट्रिक्स जो है आपका एक बेंच होता है लाइन से कम 120 सेंटीमीटर ऊंचा, तो उसी पे से जंप किया जाता है बारी बारी से, इसमें पैरों की शक्ति बढ़ती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट भारीकरण खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपनाकर कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कैन एथलेटिक एडॉप्ट दिस प्रोसेस। तो कार्बोहाइड्रेट भारीकरण खिलाड़ी इस प्रक्रिया द्वारा अपनाकर कर सकते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा अपनाकर कर सकते हैं, तो आसन में भी यहाँ पे राइट होगा, शक्ति का मांसपेशी से संचय करके, शक्ति का मांसपेशी से संचय करके, यानी कार्बोहाइड्रेट भारीता यानी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग या भारीकरण का उपयोग 1967 में सहनशीलता वाले खिलाड़ियों द्वारा किया गया था। आधुनिक अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि खिलाड़ी द्वारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से थकान की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे, थकान देर से आएगी। कार्बोहाइड्रेट भारीता यानी लोडिंग शक्ति का मांसपेशी में संचय करके 3 या 4 दिन तक मांसपेशियों में संग्रह किए गए ग्लाइकोजन को कठिन परिश्रम या अभ्यास के द्वारा तोड़कर कम करता है। नेक्स्ट है, किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था फुटबॉल में सबसे पहले, दबाव शिक्षण विधि प्रेशर ट्रेनिंग मेथड का इस्तेमाल फुटबॉल में किया गया था सबसे पहले। इस पद्धति के जनक विंटर बॉटम है, जो फुटबॉल के शीर्ष प्रशिक्षकों में से एक है। इन्होंने इस प्रशिक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि खिलाड़ी के को कोचिंग के साथ न्यूनतम विश्राम देकर अधिकतम कार्य लिया जा सकता है। साधारणतः इस प्रकार के प्रशिक्षण छोटे छोटे समूहों में दिए जाते हैं ताकि प्रशिक्षण में आनंद बना रहे तथा सहभागी क्रियाओं में सहभागी खिलाड़ियों में अरुचि उत्पन्न न हो सके। वैसे यह प्रशिक्षण व्यक्तिगत प्रकार का माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक भार की परख की जाती है, इंटरनल लोड इज मेजर्ड बाय। तो आंतरिक भार की परख किससे की जाती है दोस्तों, आंतरिक में हो गया तो आंतरिक में हमारा पल्स रेट एंड हृदय गति ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आंतरिक भार की जो परख की जाती है पल्स रेट से लैक्टिक एसिड का संकेंद्रण से की जाती है, यानी कि बी और डी यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, बी और डी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रदर्शन से संबंध फिटनेस में कौन से शामिल है। प्रदर्शन से संबंध फिटनेस में कौन से शामिल है। व्हाट डज फिटनेस इन्वॉल्व इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हृदय वाहिका सहन शक्ति है और लोच है, ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में आते हैं।
जबकि मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस यानी स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, जिसे हम प्रदर्शन से संबंधित फिजिकल फिटनेस भी कह सकते हैं, आपको अर्थ समझना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बात वही है, मोटर स्किल रिलेटेड कहिए चाहे स्किल रिलेटेड कहिए, चाहे प्रदर्शन से संबंधित फिटनेस कहिए, तो यहाँ पे पैरों की विस्फोटक शक्ति एंड प्रतिक्रिया करने की योग्यता आपका राइट होगा। तो ए और सी यहाँ पे दोनों राइट होगा, ए और सी आपका राइट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।